नमस्कार, बबीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं अंकुरित मूंग सलाद, जो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत पौष्टिक होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व तो पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, और प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है ये। इसे हम सुबह के नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने साबुत मूंग 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी, और ये देखिए अच्छे से फूल गई है। तो इसे हम छान लेते हैं। पानी अलग कर लिया है मैंने, और इसे हम मलमल के कपड़े में निकाल कर या फिर कॉटन के कपड़े में या किचन टॉवल में निकाल कर रख देंगे इस तरह से, और एक पोटली बनाकर रख देते हैं। तो ये देखिए मैंने पोटली बना ली है, और इसे हम गर्म जगह पर रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं इसे, और ये देखिए कितने बढ़िया अंकुरण आ गए हैं हमारे मूंग में। तो चलिए इसे हम हल्का सा उबाल लेते हैं, बिल्कुल एक उबाल आना है, बस इतना ही उबालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। आप कच्चा भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए उबाल आ गई है, छन्नी में निकाल लिए, थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ कट करके ली है, थोड़ी सी ककड़ी ली है, अनारदाने ले लिए हैं, और थोड़े से हरी धनिया, एक टमाटर और एक प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ का, और थोड़ा सा नींबू का रस। तो सूखे मसाले यहाँ पर काली मिर्च ले ली, नमक ले लिया है, चाट मसाला और भुना हुआ जीरा पाउडर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मूंग ठंडे हो गए हैं, इसमें ककड़ी, टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इसमें कुछ अनार के दाने डाल देते हैं, हरी धनिया डाल देते हैं, सूखे मसाले सारे ऐड कर लेते हैं, चाट मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च और नमक, सबको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, और थोड़ा सा चीनी पाउडर भी मैं इसमें ऐड करूँगी, ताकि इसमें खट्टा मीठा सभी फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। चलिए मिक्स कर लेते हैं, और हमारा सलाद ये रेडी हो चुका है। प्लेटिंग कर ली है मैंने, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। हमारा हेल्दी सलाद बनकर रेडी हो चुका है, और इसे बनाने में हमें बहुत कम समय लगता है, 5 से 7 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। बहुत हेल्दी है, सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में या फिर खाने के साथ हम इसे ले सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इसे प्रोटीन भी भरपूर होता है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिसे वजन कम करना हो तो उसके लिए बहुत ही हेल्दी सलाद है। मूंग स्प्राउट्स सलाद बनाने के समय कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी होता है कि मूंग आप जब उबाल रहे हैं उस समय बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बस हल्का सा उबालना है, या फिर आप गर्म पानी में मूंग को डाल के रख दें तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी हल्की सी, उसका कच्चापन चला जाएगा, बस इतना ही, उसे उबालना नहीं है। और यदि आप कच्चा खा सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छा है। तो इस बात का आप ध्यान दें। सब्जी आप अपनी पसंद के अनुसार डालिए, जो भी आप पसंद है वो आप डाल सकते हैं, इसमें गाजर, मूली वगैरह भी डाल सकते हैं। तो झटपट से आप भी इस हेल्दी सलाद को बनाइए, खाइए, और फिर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।